ओडिया टीए सी झोपड़ी रे रहो बा राजवास रे सी ओडिसा रे रहो बा बेंगलोर रे खरा दिन आसला माने सभींकर मन से पखाळ कंसा रे हाँ से ओडिसा बासिंकर सबुठ प्रिय भेज पखाळ थाळी रे रेसिपी माजे शेयर करबि। पखाळ कंसा सहित मु एकदम टेस्टी भजाटे रखी सजना छुई आळू बेसर दे कि तावा भजा एकदम क्रिस्पी कलरा चिप्स शाग बड़ी नड़िया भजा मसला बैगण भजा पोड़ा आलूर चकड़ा पोड़ा टमाटो को बड़ी देकी चकड़ा चीना बादाम चूरा गोटा भजा बड़ी किसी कखार फुलर पिठौ भजा पणसर पिठौ भजा तांग को रखी किसी काकुड़ी कटा कषि आंब आउ कंचा लंका पखाळ पसरा ये आम कम्प्लीट होगा। तो ये चलतु आम बनैबा पूरा संघमित्रा रोसई स्टाइल भेज पखाळ थाळी। नमस्कार मु संघमित्रा आपन को संघमित्रा रोसी को बहुत बहुत स्वागत। आपन जदि आज मो चैनल ले नुआ तबे प्लीज चैनल टी को सब्सक्राइब करनियन तो आ बेल आइकन को प्रेस करिया को जमा भी भूलिबेनी तार ऑल ऑप्शन ने क्लिक करनेबे तो मोर नेक्स्ट वीडियो रो सब नोटिफिकेशन आपन को मिले जिवो। आपन को भल पाई रे मते बहुत इंस्पायर करे वीडियो बनाया पे चलो स्टार्ट करबा आज रो रेसिपी। फर्स्ट आम पखाळ पई भात बनैबा। भात बनैबा मुझे दि ग्लास चाउल नहीं चाउल पांच रु छः जन पखाळ आराम से खाई चाउल को भल से धोई नबा। फर्स्ट ये मोटे प्रेसर कुकर नहीं प्रेसर कुकर आम धोईवा चाउल को देद ये ग्लास मापे मुझे दि ग्लास चाउल नहीं तो दि ग्लास अनुसार मुझे चार ग्लास पा देवी डबल पा देवी जेहेतु आम आपको पखाळ बनैबा तो भात टी नरम होगा दरकार से मुझे डबल पा दे 1/4 टीस्पून लुण देवा चारु पांच ड्रप भाया लेंबूर रस देवा यादव कौन होता है ना भात बहुत बढ़िया गोटा गोटा पूरा होता है। आपको आम एवं कभर करके हाई फ्लेम रे कुक करवा गोटे सीटी आसला पर्यंत गोटे सीटी आसला परे आपको कम्प्लीटली ऑटोमेटिक तार प्रेसर रिलीज होगा को देवा। भात के सुंदर पूरा है परफेक्ट भात आम आपको आम गोटे बड़ डिस्क को काढ़ी ना भात टी थंडा होगा आदि आम पा देवा भात थंडा होगा एम आदि पा मिसेबा भात बुड़ा पर्यटन पा देव ताकि अधिक पा देवे जो दिन पखाळ खाइबार थी ता पूर्व दिन आप भात बसइबे। पखाळ सहित खायापाई सजना छुई बेसर आलु भजा आम करवा यहाँ तावा भजा करवा सजना छुई आलु को मुझे धोईकी काटि नहीं देखो आलु को एमती मोटा मोटा काटे कहीं आम तावा फ्राए करवा आए मोटा काटले हिंसा भाजी होता है पतला काटले पूरा भांगिजी जो पर्यंत सजना छुई आलु को यूज न करथिबे से पर्यंत एंती पानी में पकई रखिबे। बेसर बटन पई मु एठी 2 टेबलस्पून नो सोरिष नेची 1 टेबलस्पून नो जीरा आउ दीटा सुखिला लंका को 15 मिनिट पूर्व एंती पानी रे बतुरे रखिछि अदर कोन त हैना बेसरटा मोर पूरा एकदम प्लेन हे कि बाटी आइथे 6-7 रसुन कोला को देखि आमे पूरा एकदम फाइन पेस्ट बनै नबा। देखंथु एठी मोर पेस्ट रेडी हे जाइछि। भजा भजा पई मेठी गोटे फ्राई पैन बसैछि तादरे आमे 1 टेबलस्पून सोरिष तेल दबा पछरे आमे तेल देकी भाजिबा से एबे अल्प तेल दबा 1 टीस्पून पंच फुटण दबा दीटा सुखिला लंका दबा फुटण फुटले सजना छुई आ आलु को दे दबा 1/4 टीस्पून हल्दी दबा स्वाद अनुसार आमे लुण दबा बाटी रखिथिबा मसला को दबा मसला जो धोईकी 2 टेबलस्पून भले आमे टी पानी दोसी एक्चुअली एटा आमे पानी रे सिझेबा पछरे तेल देकी भाजिबा तो टिके पानी देबे एबे आमे आको कवर कर नबा गैस फ्लेम को लो टू मीडियम रखिबा। मनेतंतु फ्रेंड सजना छुई आलू को बेसी सिझेबेनी जस्ट 90% पखा पखी जेमती सिझिबो देखंतु आलू एठे मोर परफेक्ट सिझिछि एतिकि ही सिझेबे आठ अधिक सिझेबेनी। एबे आमे आलू और सजना छुई को गोटे गोटे करके पूरा पैन रे खेले नबा। जदि आपण बेसी भजा भाजी देबे अधा सिझा भजा को काढ़ी देबे अधा भजा को खेले किमती पूरा गोटा गोटा करके भाजबे। एबे आमे 2 टेबलस्पून भाया सोरिष तेल दबा गैस फ्लेम को मीडियम रखिक आपको आम फ्राए करवा बार बार जमा ओल्टेबेनि गोटे सैड पूरा हवाक दबा तापर ओल्टे कि आउटे सैड भाजवा सजना छुई आलु जमी पूरा रेड रेड होपर्त आम आपको फ्राए करवा। देखो के सुंदर पूरा भजा आम रेडीगला बहुत बढ़िया देखा सजना छुई आलु बेसर भजा आमर ये रेडी एबे आम कलरा चिप्स बन कलरा चिप्स पाई मुझे 250 ग्राम कलरा को भल से धोईकी पोचिकी एमती गोल गोल करके काटि आपण मन रखते फ्रेंड बेसी पतला काटे पूरा एकदम पतला काटले तेल रे पको पको से जलिजी तो एमती ही काटे पतला बेस नुह कि बेसी मोटा नुह मीडियम सैज काटे।
हाफ टी स्पून लुण देवा। लुण देखिए आपको आम भलसे एकदम मिसई देवा आ कभर करके 15 मिनट पर छाड़ देवा। देखो फ्रेंड 15 मिनट पर कलरा केते सॉफ्ट हो जाए आदर कमी पा बाहर आपको आम ए चिपुड़ी पानी सब तक बाहर करवा आदर कौन होता है ना चिप्सटा पिता बेस लगि न था आउ जेहेतु आम कलराटा अलरेडी पाटा बाहरी गला तो मसलाटा भी भल भाव पूरा कोट होता है। मसला रे आमे दबा एबे 1 टेबल स्पून बेसन 1 टेबल स्पून चाउल गुंड आदर कलरा चिप्सटा बहुत बढ़िया क्रिस्पी होता है। आप चाउल गुंड जमी देते 1/4 टी स्पून हल्दी देवा 1 टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर देवा आपण हिसाब से चिल्ली पाउडर देवे जी राग खाऊ से अनुसार देवे। हाफ टी स्पून गरम मसला देवा 1 टेबल स्पून धला राशि मेटी देद्वारा चिप्सटा बहुत बढ़िया लुक्स आए आउ टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगी था क्रिस्पी लगी था। एबे आमे सबको भले मिक्स करदे कलरा को मसला सहित तो पूरा एकदम भले से कोट करदे आदम गोटा गोटा जमी पूरा हो जमा भी आप पानी यूज करें। देखो के सुंदर कलर आम कोट हो मसला सहित फ्राए करापी तेल गरम करेल को मीडियम फ्लेम हिट करेंगे। कलरा को एमती गोटे गोटे करके तेल दबा एक संगे मेंसे पकईदे देखते मुझे जमती दौर सेमती देवे गैस फ्लेम को मीडियम रखिक आम आपको छाणवा। कलरा पूरा एकदम रेड रेड होगा पर्यटन आपको आम छाणी देखते कलरा आम कमी पूरा रेड रेड हो गला चिप्स आम पूरा रेडीगला मुझे गोटे प्लेट्रे टीस्यू पेपर पकईक रखी ताक आम छाण ना से आम सब चिप्स को छाण ना। कलरा चिप्स एमर हो बैगण मसला फ्राए बनवा बैगण मसला फ्राए पाई मुझे दीटा बैगण को नहीं भलसे धोई दे कि पोछी नहीं बैगण काटा पूर्व आम मसला को आगे रेडी करदे कहीं बैगणटा जब आम काटिद बैगणटा कला पड़ज मसला मुझे नौ 1 टेबल स्पून बेसन 1 टेबल स्पून चाउल गुंडटा आपड़ जमी देते बैगणटा बहुत क्रिस्पी लगी था। 1 टी स्पून धनिया पाउडर हाफ टी स्पून जीरा पाउडर 1 टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर रेड चिल्ली पाउडरटा आपड़ जितकी राग खाऊ से अनुसार देते 1/4 टी स्पून गरम मसला 1/4 टी स्पून हल्दी हाफ टी स्पून लुण दौटे सबको आम मिक्स करदे। देखो मसला आमर एडीगला एबे आम बैगण को काटिबा बैगण को हाफ इंच मोटे भाया गोल गोल करके काटिबा। देखो एतिक मोटा रखिबे एबे फ्रेंड आम बैगण सब कटा ही मसला भी रेडी गोटे गोटे बैगण पीस को लेकिन मसलार एमती कोट करेंगे बोथ साइड को कोट करने जेहेतु बैगण जो मॉइस्चरटा अच्छे से ऑटोमेटिक मसला केमती अब्जर्व कर देखो जमती मुझे बनाऊे सेमती बन सबू बैगण ये कोट हो गला एबे आम आपको 15 मिनट रेस्ट हवाक दबा जमती मसलाटा पूरा सेट हो बैगण सहित फ्राई करने मुझे गोटे फ्राई पैन बसई आम 2 टेबल स्पून ऑयल दबा। देखो बैगण कितने सुंदर सेट हो गोटे गोटे करके बैगण को आम फ्राई पैन में दबा गोटे साइड फ्राई होगापर ताको आम उल्टेबा। फ्रेंड्स देखो ये आउट साइड भी फ्राए हो गला बैगण मसला फ्राए आमर एवं रेडीगला देखते कितने सुंदर देखा पूरा एकदम बाहर क्रिस्पी और भितर बैगण पूरा सॉफ्ट बहुत ही बढ़िया एवं आम टमाटो पोड़ा टमाटर चटनी बनवा टमाटो चटनी बनवाई मुझे तीन टा पचिला टमाटो नहीं देखते एमती पूरा पचिला पचिला टमाटो ने आपको आम गैस फ्लेम उपर पोड़ा ये गोटे पोड़ापाई मुझे छाँच रखी तापर आम टमाटो सबको देदे गैस फ्लेम को लो टू मीडियम रखा दीटा ये मुझे कंचा लंका दौची कंचा लंका को टिके पोड़ी नबा ताको बाहर कर ना बहुत जल्दी पोड़ी जाए था तीन चार पकड़ा रसुण को भी मुझे दौची ताको भी पोड़ी नबा टमाटो को ताको बुले बुले कि पोड़े टिके टाइम लगी था हार्डली 3-4 मिनिट पखापाखि लगे टमाटो पोड़ा भितर आम बड़ी भाजी ना जेहेतु आम टमाटो चकड़े बड़ी यूज करवा आउ मो सागर भी बड़ी यूज करी से किसी मुझे बड़ी भाजी नौ बड़ी ये देखो टी भाजी हो गला एवं मुझे 1 टी स्पून भाया सोरस तेल दौर आउ टे फ्राए कर नवा बड़ी ये भाजी हो गला आपको आम का टमाटो देखो ये कड़े सुंदर पूरा पोड़ी आपको आम गोटे प्लेट को काढ़ नवा टमाटो टी थंडा होगला तो चोपा को भाग कर नवा।
फ्रेंड्स टमाटो को जमा भी पानी रे पके कि धोई कि ता चोपा बाहर करिवेनी तार जो पोड़ा रो जो स्मेल टा सेटा पळेबो देखों ने ठंडा है गेलानी ओके सुंदर पूरा चोपा भी पूरा बाहर जाउची गोटे मिक्सिंग बाउल नबा पोड़ा लंका और रसुन को फास्ट आम चकर दबा टमाटो को दबा हाफ टी स्पून सोरिष तेल दबा स्वाद अनुसार लुण दबा कटा पियाज एटी किछि मने अछि जो छोटो छोटो पियाज थाए ताकु मु एटी काटि के किछि नै छि पांचटा रु छटा भजा बड़ी को देदबा आकु आम एबे चकर नबा टमाटो चकड़ा एटी देखंथु रेडी हे गेला मु एटी धनिया पत्र देनी आपन चाहिले धनिया पत्र भी दे परिबे एबे आम पोड़ा आलू रो चकड़ा बनेबा मु एटी दीटा आलू को सिझै नै छि ताकु आम गैस फ्लेम रे सेमती छांच रखिकी पोड़ी दबा देखंथु केते सुंदर पोड़ी होउछि आ केते सुंदर देखा होउछि एमती आप पोड़ी ने बहुत टेस्ट लगे पूरा चुल्ली पोड़ा पूरी लगे आलू सब देखो मुझे पोड़ी नहीं मन रखता तो फ्रेंड जमा भी तो चोपा को छड़े कि फोपाड़े से ही टेस्ट लगे एक्चुअली चोपा सहित ही आप चकड़े छोट पिज को ये मुझे दीटा कंचा लंका नहीं पिज को फास्ट आम चप कर नवा आलू देद लुण स्वाद अनुसार दवा 1/4 टी स्पून सोरिष तेल दवा सबको आम मिसेक चकर दबा देखो पोड़ा आलू चकड़ा आमर एटी रेडी हो गला एबे आम कखारु फुल को पिठो दे कि भाजिया से आम कखारु फुल को आगे बाछी नबा देखो फ्रेंड्स एमती डेम्फो को काटिदेवे भितर जो एमती फुल थाए ताको बाहर करदे मुझे बाछुची सेमती बाछी ने सब फुलटी मुझे बाछी नहीं आम धोईकी गोटे छणारे रखिदबा पिठो बाटण मेठी गोटे कप चाउल को धोईकी दुई घंटा पूर्व बतुरी रखी थी तादर आम गोटे प्याज हाफ इंच अदा 10-12 कोला भाया रसुण 1 टी स्पून जीरा दीटा सुखिला लंका आपन जितिके राग खाऊ से अनुसार लंका ने प्याज अदा को काटि देकी चाउल सहित आम आपको मिसेक बाट नवा देखते पेस्ट आमर रेडी होगा तादर आम 1/4 टी स्पून हल्दी दबा स्वाद अनुसार लुण दबा ताको मिक्स करदे बैटर कंसिस्टेंसी आपन एमती ही रखिबे कखार फुल भाजिया मुझे गोटे फ्राई पैन बसई फ्राई पैन गरम हो जाए आम 1 टेबल स्पून ऑयल दबा पिठो को टिके गोल कि कखार फुल को बुड़े कि गोटे गोटे करके फ्राई पैन ने दबा गोटे साइड है आम उल्टे दबा देखते फ्रेंड ये अनदर साइड भी ये होगा एवं आम आपको काट नबा रेस्ट फुल सब को आम एमती भाजी नबा कखार फुल भजा आम रेडी होगा एवं आम शाग को भाजवा मुझे दी बिड़ा कोशिला शाग को भल से बाछिक दुई रु तीन थर धोई नहीं फाइनली चप कर नवा देखते फ्रेंड्स मुझे शाग को एमती चप कर नहीं भाजवापी आमको 1/4 कप नड़िया कोरा दरकार 8-10 भजा बड़ी दरकार आईटा कंचा लंका कड़ाई में आम 1 टी स्पून तेल दबा कंचा लंका को चिरिकी देद हाफ टी स्पून पंच फुटन दबा फुटन फुटले आम काटि शाग को देद नड़िया दबा बड़ी को एमती हाथ में दलिकी गुंड कर नवा तापर मिसेबा स्वाद अनुसार लुण दबा एवं आम गैस फ्लेम को लो टू मीडियम रखिकी आपको भाजवा फ्रेंड्स किसी शाग को कभर करवा दमा भी दरकार नहीं गोटे रु दुई मिनिट भितर शाग रेडी जाए देखो शाग आमर रेडी होगा एबे आम चिना बादाम रो चटनी बनैबा बादाम चटनी पाई मेठी 100 ग्राम पाखापाखी कंचा बादाम ताको आम लो टू मीडियम फ्लेम रे भाजवा प्राय 7-8 मिनिट भितर आम भाजी जो बादाम फ्रेंड्स जमा भी हाई फ्लेम करेनि हाई फ्लेम कले बादाम बाहर पड़ जाव जदि देखो इजिली एमती बादाम रो चोपा छाड़ जाउछि तो बादाम आमर भाजी होगा एबे आम आपको थंडा करके तार चोपा सब छड़े नवा छड़े नहीं आम 4-5 कोला रसुण दबा गोटे कंचा लंका दबा एबे आमे बादाम को दरदरा करके ग्राइंडिंग कर नवा देखते फ्रेंड एमती ही ग्राइंडिंग करेंगे ना आपड़ कौन सी हिमदस्तार हो कुटी ने बादाम चटनी आमर एबे रेडी होगा एबे आमे मेन हीरो को प्रिपेयर करवा पखाड़ को रेडी करवा देखते पखाड़ कितने सुंदर हो जाए मु कालीर फोटो आपन को देखो देखो कालीर भात और आज भात भितर केते डिफरेंस अछि पखाळ पर एकदम सॉफ्ट है कि बहुत ही बढ़िया है और बहुत बढ़िया बासना भी तादर आसुची फ्रेंड्स आपन जदि पखाळ खाया को आपन जेबे भी इच्छा करिवे निश्चिंत ता पूर्व दिन ठार भात को एमती रांधी कि पानी पुरे देबे पखाळ बहुत ही टेस्टी बन मु जति कि पखाळ एटी बनै छै ता 5-6 जन पूरा आराम से खाइबे
एबे आमे पखाळ रेडी करिबा। पखाळ पई मु एठी खंडे आंब कसिया अदा नेछि, गोटे छोट काकुड़ी नेछि, दुईटा कंचा लंका नेछि। ए सबको आमे ग्रेटर रो हेल्प रे ताको कोरि नबा। आंब कसिया गदा आउ काकुड़ी आपण जेमिति हेले देबे पखाळ रे बहुत बढ़िया टेस्ट आसताए। यदि आप पखाळ रे रसुण यूज करछने देन आप काकुड़ी को स्किप कर नेबे। एठी देखंथु मु सब कोरि नेछि, एबे आमे आकु सब पखाळ रे मिसै देबा। मु सब पखाळ को एका संगे रेडी कर दोची। गोटे गोटे कंसा रेडी करया अपेक्षा एटा बहुत इजी हेथाय आ सब इंग्रेडिएंट जें इवनली पूरा मिसि जायथाय। एबे आमे गोटे कप दही दबा, एकदम फ्रेश दही मु घरे बनेथिले ताको दोची। आको आमे सब मिक्स कर दबा। छुंक दबा पई मे जोटे छुंक पैन बसैछि। गैस फ्लेम को लो रखिबा। 1 टीस्पून भलिया तेल दबा, बेसी तेल देबिनी, तेल बेसी देले पखाळटा पूरा तेले तेले लागथाय। 1 टीस्पून सोरस दबा, दुईटा कंचा लंका को चिरिकी दबा, किसी भुसम पत्र दबा। छुंक देखते ये आम रेडी हो गले आपको आम पखाळ देदबा। पखाळ को टिके मिक्स कर दबा। पखाळ आमर रेडी हो गला। एबे आम पखाळ सर्व करिबा। पखाळ रे आम लुण देनी, लुण दबा, अल्प दही दबा, लेंबू गोटे पीस दबा, छोट पियाज दि खंड दौची, मु खंडे काकुड़ी रखुची। पखाळ कंसा सहित टेस्टी सजना छुई आलुर भजा, क्रिस्पी कलरा चिप्स, शाग भड़ी भजा, एकदम डिफरेंट वे बैगण मसला भजा, पोड़ा आलू चकड़ा, पोड़ा टमाटो बड़ी चकड़ा, चीना बादाम चूरा, किसी भजा बड़ी, कखारु फुल और पणसर पिठो भजा। पणस पिठो भजार रेसीपी मो चैनल अच्छे, मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक देदेवी, आप चेक करने। किसी काकुड़ी, कसी आंब आउ कंचा लंका, भेज पखाळ थाळी आमर एठी पूरा रेडी हो गले। आगको पखाळ दिवस आसुच्छे, आपण सब रेसीपी को ट्राए करिबे, बहुत टेस्टी सब बनी। केमिति हेला मते कमेंट बॉक्स रे जणैबे। आशा करछि आजर वीडियो टी आपनको भल लागिथिबो। जदि भल लागिला तबे जीवा पूर्वर तळे थिबा लाइक बटन टी को प्रेस करनंतु। आपण फ्रेंड एवं रिलेटिव को सहित भरपूर मात्रा रे शेयर भी करंतु। आपण जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करनंते तबे प्लीज सब्सक्राइब करनंतु। आ पाखेर थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करी तार ऑल ऑप्शन प्रेस करनेबे। घर तयारी खाद्य खानतु, सुस्थ रहंतु। पुणी देखा हबा गोटे नुआ रेसीपी सहित नेक्स्ट वीडियो रे। रहिली नमस्कार, जय जगन्नाथ।